व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। क्रेमलिन में हुए एक शानदार समारोह में शपथ लेकर 71 साल के पुतिन ने अपने पांचवें कार्यकाल का आगाज किया। पुतिन ने ऐसे समय में रूसी राष्ट्रपति का पांचवी बार पद संभाला है जब उन पर देश में विपक्ष को कुचलने का आरोप लग रहा है और पश्चिम के साथ टकराव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि पुतिन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम को लेकर थोड़ी नरमी के संकेत दिए। पुतिन ने कहा कि हम और मजबूत होंगे, हम उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे जो हमें दुश्मन समझते हैं। हम पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि वे हमसे बातचीत करना चाहते हैं या नहीं। Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. Это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России? माना जा रहा है कि पुतिन ने पश्चिम का नाम लेकर इस तरह से अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो देशों को चेतावनी दी है कि अगर हम पर दबाव डालना जारी रखा तो तबाही के लिए तैयार रहें। पुतिन ने कहा कि यदि वे बातचीत करना चाहते हैं तो उसमें सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल होने चाहिए। जो भी बातचीत हो वो समान शर्तों पर होनी चाहिए और उसमें अहंकार और खुद को सुपीरियर मानने जैसा भाव नहीं होना चाहिए। बता दें कि रूस के साथ जारी तनाव के बीच पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह का अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों ने बॉयकॉट किया था। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के अंदर आयोजित समारोह में पुतिन ने रूसी संविधान पर हाथ रखा और इसकी रक्षा करने की कसम खाई। इस दौरान चुनिंदा गणमान्य हस्तियां वहां मौजूद थीं। रूस की सत्ता में लगातार मजबूत हो रहे पुतिन के सामने अपने इस कार्यकाल में कई तरह की चुनौतियां होंगी। खासतौर से यूक्रेन में युद्ध का संकट उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। 24 साल बाद रूस के नेता यूक्रेन के खिलाफ जंग में है, वो जंग जिससे रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि पुतिन ने इस साल मार्च में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। वो दो दशक से ज्यादा समय से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। पुतिन अब अगले 6 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। पुतिन ने साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2004, 2012 और 2018 में भी वो राष्ट्रपति बन चुके हैं।